हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मैं नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूं। तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरी कैलकुलेशन इनसाइड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन से सब कुछ सही चलता है और मैं आपको बताता हूं और आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, मंडे को बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आने वाली है ट्रांसफ़र प्रोसेस 2024 को लेके। तो जी हाँ, आ चुका है पूरा शेड्यूल आ चुका है। 10 जून को टेंटेटिव वैकेंसी डिस्प्ले होगी और जैसे ही ये टेंटेटिव वैकेंसी डिस्प्ले होगी, मैं आपको ये बताऊँगा कि पीआरटी में वैकेंट पोस्ट, मतलब पीआरटी में आपकी वेटिंग लिस्ट कितनी आएगी, ठीक है ना। पोर्टल कब खुलेगा और ट्रांसफ़र बॉर्डर कब होंगे, 4th-5th वीक जून। ये 4th-5th वीक ऑफ जून ये आपको समझने वाली बात है। ये आप लोगों के लिए भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो लोग वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जून में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, आप समझ जाओ अगला जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का है। सही है, तो आप लोगों को बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। उसी सीरीज़ में आज ही दूसरा सर्कुलर आया, डेट देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है इनविटेशन ऑफ ऑनलाइन फॉल टू बी फिल्म टीचिंग एम्प्लॉयज अप टू पीजीटी, मतलब टीचिंग फॉर्म जो ट्रांसफ़र फॉर्म है उन्हें अप्लाई करने का आ गया है। अब लिखा हुआ है, सारी पॉलिसी लिखी हुई है, ठीक है ना। पॉलिसी का भी सर्कुलर आ गया है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जिन लोगों को वेटिंग लिस्ट का इंतजार है, जिनको ट्रांसफ़र प्रोसेस का इंतजार है और जिनको नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस का इंतजार है, उन सभी के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत 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 कामगार है। आप लोग पूरा ढंग से पॉज करके पढ़ लेना, हमें तो पूरा पढ़ लिया और हमें पता है, ठीक है ना। चलो, तो ये सब लिखा हुआ है कि कंट्रोलिंग ऑफिसर जो भी प्रोसेस था वो लिखा, जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ठीक। पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दिस में बी ट्रीट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, मतलब अब ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और जून लास्ट और जुलाई तक, जुलाई स्टार्टिंग तक सभी के ट्रांसफ़र ऑर्डर उनके हाथों में दे दिए जाएंगे, हाथों में मतलब उन्हें मिल जाएंगे और वो लोग अपने अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। फिर आकलन होगा कितनी सीट कहाँ पर खाली बची है और फिर हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसका नाम है वेटिंग लिस्ट, वो स्टार्ट हो जाएगी।